हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही हैं। और आपको जैसे गुड न्यूज़ मिली गई होगी कि यूपी की जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है सिविल जज की पोजीशन के लिए। तो उन्होंने इस बार यूपी जुडिशरी ने 303 वैकेंसी निकाली हैं। बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं बहुत अच्छा है। इस बार काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आई है, तो प्लीज़ डोंट मिस इट। और इसकी नोटिफिकेशन जो हमारे पास आई थी 10 दिसंबर को नोटिफाई हुआ था। 6 जनवरी आपकी फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट आपकी 10 जनवरी है। बट प्लीज़ 10 जनवरी तक का इंतज़ार मत कीजिएगा, 6 जनवरी से पहले पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। सो ये वीडियो बेसिकली उन फर्स्ट टाइमर के लिए है जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन यूपी के लिए। तो बेसिकली इसमें यही बताने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जो लोग ऑलरेडी भर चुके हैं अपना फॉर्म, उनको पता है कि क्या प्रोसीजर है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, हम स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे प्रोसेस है, क्या करना है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे क्लिक करें। ये पेज ओपन होगा, यहाँ एक्टिविटी डैशबोर्ड में जाकर अप्लाई करें फर्स्ट एडवर्टीजमेंट पे, या फिर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये पेज होगा, यहाँ पे आपको आपकी स्टार्टिंग डेट, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की 10 दिसंबर से स्टार्टिंग है। फी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 6 जनवरी है। फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 10th of January है। बट मेक श्योर कि आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म 6 जनवरी तक भर दें, ताकि बाद में कोई इशू ना आए। नाउ नेक्स्ट अप्लाई पे क्लिक करें, जो ग्रीन आइकन दिया हुआ है। ये पेज ओपन होगा, इसमें आपकी जो है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज के जो परमानेंट नेचर है उसके बारे में, पे स्केल एंड लोअर एज एंड अपर एज, मतलब 22 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 303 हैं। क्वालिफिकेशन के लिए व्यू करें। सो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। सेकेंडली, कोई भी स्टेट में आप एडवोकेट एनरोल्ड होने चाहिए, एंड गुड नॉलेज ऑफ हिंदी इज ऑल्सो एसेंशियल। बाकी आपकी कैटेगरी वाइज फी डिटेल्स दे रखी हैं। बैक करें, इस पेज पे रेड कलर का आइकन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। सो इस पेज ओपन हुआ, इस पेज पे आपसे पूछा है कि बेसिकली आपने कभी ऑनलाइन मोड के थ्रू यूपीएससी में आपने कभी अगर अप्लाई किया है तो यस करें। तो आपके पास प्रीवियस ईयर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, आप उसे क्लिक करें, वेरिफिकेशन कोड डालें और प्रोसीड करें। अदरवाइज सेलेक्ट नो, एंड आपकी जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। कैंडिडेट नेम, फादर्स हस्बैंड्स नेम, आर यू डोमिसाइल ऑफ यू, मीन्स आप यूपी के रेजिडेंट हैं तो यस क्लिक करें, अदरवाइज नो। अकॉर्डिंगली सारी डिटेल्स फिल कीजिए। आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ यस यस, अदरवाइज नो। फिर डिबार्ड फ्रॉम यूपीएससी, सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, मीन्स कि कौन सी कैटेगरी में आप हैं। अगर आप डोमिसाइल हैं यूपी के तो आपकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं वो शो हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं है तो फिर आपके जनरल कैटेगरी में ही आप लोग काउंट किए जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ मैंशन कीजिए। जेंडर, मैरिटल स्टेटस एंड योर फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करें, वही मेंशन करें जो एक्टिव है, जो आप परमानेंट बेसिस पे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की अपनी डिटेल्स भरनी। हाई स्कूल मीन्स योर 10th क्लास। सेलेक्ट योर बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग एंड योर रोल नंबर। सिमिलरली इन इंटरमीडिएट यू हैव टू फिल योर 12th क्लास। हैव यू एवर कंप्लीटेड इंटरमीडिएट? अकॉर्डिंगली येस, सेलेक्ट योर बोर्ड, गो फॉर ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर एंड प्रोसीड। नेक्स्ट पॉइंट इज योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्लिक येस।
दिस इज लाइक अगर आपने कोई यूपी जुडिशियल सिविल जज का पहले एग्जाम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, दिया है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर नन पे क्लिक कीजिए। दिस इज बेसिकली कि आपको अपर एज रिलैक्सेशन के लिए दे रखा है कि आप कि अगर एप्लीकेबल है तो आप अप्लाई करिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक किए। वेरिफिकेशन कोड जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे वो आप टाइप कीजिए, वैलिडेटेड प्रीव्यू जो है उस पर क्लिक करें। सो बेसिकली आपका एक प्रीव्यू आ चुका है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, इसको एक बार केयरफुली रीड कर लीजिए, बाई चांस कोई अगर मिस्टेक हो तो उसे रेक्टिफाई कीजिए। नाउ क्लिक ऑन दिस रेड लाइन की आई हैव केयरफुली चेक ऑल द डिटेल्स, इस पर क्लिक करें। एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए ग्रीन आइकन पर क्लिक करें, सबमिट एप्लीकेशन पे ओके करें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये पेज आपके पास आ जाएगा। इसमें एक बार फिर से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिपॉजिट द फी, क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फी, ग्रीन कलर के आइकन पे क्लिक करें। पर्सनल डिटेल्स प्लीज दोबारा देख लीजिए, आपके डोमिसाइल, कास्ट कैटेगरी, प्रोसीड इफ यस, अगर कोई इश्यू है तो फिर नो करें। नाउ एप्लीकेशन फी पेमेंट मॉड्यूल आएगा आपके सामने, जहाँ पे आपको फी पे करने के अलग अलग नोट्स दिए हुए हैं। सो गो फॉर दिस स्टेट बैंक, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, ग्रीन आइकन पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास आप ऑनलाइन के थ्रू भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड इफ कोई इशू है तो आप कैश और चेक के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। आजकल UPI सबके पास होता है, तो यू मे अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो। इस पेज पे आपका QR कोड आएगा, उसे सिलेक्ट करें। किसी भी ऐप से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। नाउ योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, आपके पास आ गया, ओके क्लिक करें। सो दिस इज योर फॉर्म की उन्होंने बता दिया कि भाई आपका जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है और मर्चेंट रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस है, मीन्स आपकी जो फीस है वो पे हो चुकी है। ये रिसिप्ट आएगी आपके पास, मेक श्योर इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक ट्रांजेक्शन ID दोनों ही कहीं नोट करके रख लें। प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, ग्रीन आइकन पे क्लिक करें। सो ये डिटेल्स हैं, अगेन क्लिक हियर टू प्रोसीड। सो फोटो अपलोड करने के लिए आपके पास ये गाइडलाइन दी हुई है, इसे क्लिक करें। गाइडलाइंस को एक बार पढ़ें, उसके बाद जो साइज होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर का 50 KB से कम होना चाहिए। जनरली फोटो और सिग्नेचर जो है अलग अलग अपलोड करते हैं, बट यहाँ एक साथ करना है। सो एक वाइट पेपर में अपनी फोटो पेस्ट करके उसके नीचे सिग्नेचर करें और उसको फिर स्कैन करें। स्कैन करके आपके पास ये कैप्चा है, इसको एंटर करें। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ग्रीन आइकन पे क्लिक करें। आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। प्रोसीड फॉर फाइनल पे सब क्लिक करें। यहाँ आपने अपने डिक्लेयर करें कि हाँ भाई यू हैव रेड द यूजर इंस्ट्रक्शंस। आप फिर से एक बार गो थ्रू कर लें। यहाँ कुछ और डिटेल्स भी हैं जो आपको फिल करनी है। कैंडिडेट्स परमानेंट एड्रेस डिटेल्स डालें। ओके, सो नाउ यू हैव टू सबमिट योर कैप्चा, एंटर करें। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ग्रीन आइकन पे क्लिक करें। एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। सो ये था का तरीका फॉर्म सबमिट करने का। फॉर्म सबमिट करने के बाद इनकेस आपको बीच में अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपनी तरफ से वैसे तो बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। रही बात आपकी प्रिपरेशन की, तो हमारा जुडिशी चैनल पे ऑलरेडी हमने एविडेंस का 1 कंप्लीट कर लिया है। 2 अभी चल रहा है हमारा,
और अब जैसे यूपी जुडिशरी और छत्तीसगढ़ जुडिशरी की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे आपको अब एमसीक्यू मिल जाएंगे डेली बेसिस पर। सो काइंडली फॉलो एंड सब्सक्राइब रिच जुडिशरी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन टेक केयर।